वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अमेजोन में मोबाइल नंबर को चेंज करके दिखाने वाला हूं। पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस कि आपको यहां पर अपना जो अकाउंट वाला ऑप्शंस देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, कुछ टाइम रिफ्रेश होगा और आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इस नए पेज में आपको करना क्या है कि आपको तीन चार ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें पहला है योर ऑर्डर्स, दूसरा है बाय अगेन, योर लिस्ट और योर अकाउंट। तो आपको सिंपली योर अकाउंट पर क्लिक करना है। हम योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप देखिए कि आपको कुछ अकाउंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें फिलहाल अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है और इसमें आपको लॉग इन एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हो या एड्रेस देखना चाहते हो तो नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर लॉगिन एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस पर ही क्लिक करेंगे जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम लॉगिन एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद में कहीं सभी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए हमें अपनी जो डिटेल्स है उन्हें कन्फर्म करना होगा, यानी कि हाँ ये अकाउंट हमारे पास ही है और इसी से हम जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं। अगर यहां से आपकी डिटेल्स अपडेट नहीं होगी या इस तरह से ऑप्शन आ रहा है और आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है पुराने, तो फिर आप ईमेल के जरिए इसमें लॉगिन कर सकते हो। ईमेल के जरिए भी लॉगिन हो जाता है। फिलहाल मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करूँगा। मैं सिर्फ आपको मोबाइल नंबर चेंज करके दिखा रहा हूँ गाइस, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर ओल्ड मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अभी ओटीपी मेरा आ चुका है तो ओटीपी मैं यहाँ से एंटर करूंगा और अपने अकाउंट को वेरीफाई करूंगा। फिर आप लॉगिन एंड सिक्योरिटी पर जैसे ही क्लिक करोगे और मोबाइल नंबर के पासवर्ड ओटीपी जैसे ही एंटर करोगे, इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। अभी इस तरह से पेज में गाइस आपको करना क्या है कि हम मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप देखिए हमारे प्राइमरी मोबाइल नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ में आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, अपने ईमेल को भी बदल सकते हो, पासवर्ड बदल सकते हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, साथ में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो आप अदर तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मोबाइल नंबर चेंज करना है तो प्राइमरी मोबाइल नंबर के जस्ट आगे एडिट वाला ऑप्शन है, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कीजिए, तो चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन हमारे सामने है। ओल्ड मोबाइल नंबर देखने को मिल रहे हैं, हमें अपने जो न्यू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं और कंटिन्यू करना है। तो आपके ओल्ड मोबाइल नंबर पर गई से एक एसएमएस जाएगा, तो उस एसएमएस को आपको एंटर करना होगा, तब जाके आपके जो मोबाइल नंबर है वो चेंज होंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि ओल्ड मोबाइल नंबर जो है गई उस पर ओटीपी जाएगा, तो न्यू मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। अभी आप देखिए कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसमें, तो जो हमने न्यू मोबाइल नंबर फिल किए हैं उस पर ओटीपी जाएगा। हम ओके करेंगे, ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी इन यूज, मतलब ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज है अनदर अकाउंट में। तो फिर भी मैं इसमें जो है इस मोबाइल नंबर चेंज करूंगा और यही मोबाइल नंबर में रखूंगा, तो यस वेरीफाई मैं क्लिक करूंगा। वेरीफाई पर मैं क्लिक किया तो गाइस अभी काफ़ी यूजर्स के मन में ये भी होगा कि हमारे जो इस अकाउंट की डिटेल्स है वो कुछ चेंज हो जाएगी, कुछ कट जाएगी, बैंक डिलीट हो जाएगा, तो वो हम अभी देखेंगे। आगे सारी डिटेल्स मैं कन्फर्म करवाऊंगा। इसमें हमारे जो अमेजोन पे बैलेंस है उसमें भी कुछ अमाउंट है। काफ़ी यूजर्स के मन में ये भी होता है कि अमाउंट हमारा कम हो जाएगा या अमाउंट हमारा कट जाएगा, तो उन सभी यूजर्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल मैं ओटीपी एंटर करूँगा और वेरीफाई पर क्लिक करूँगा, फिर हमारे जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिए कि कन्फर्म करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप देखिए कि ओल्ड मोबाइल नंबर हमारे सामने शो कर रहे हैं, न्यू मोबाइल नंबर शो कर रहे हैं और अमेजोन के पासवर्ड हमें एंटर करने हैं। गाइस इसमें एक बात मैं बता दूं कि जो आपके ओल्ड मोबाइल नंबर है उस पर कोई भी ओटीपी नहीं गया है, तो अपने न्यू मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी गया है। अभी जो अमेजोन के पासवर्ड हमसे पूछ रहा है वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम अपने अकाउंट को कन्फर्म करवा रहे हैं कि हाँ हमारा यही अकाउंट है और हम ही अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो मैं अपने अमेजोन अकाउंट के पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूंगा। पासवर्ड मैंने एंटर किया तो मोबाइल नंबर अपडेटेड हो चुका है। आप देख सकते हो पहले जो मेरे मोबाइल नंबर थे वो कुछ और यहाँ पर थे और अभी कुछ और मोबाइल नंबर मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। अभी गाइस मैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अभी मैं अमेजोन पे पर जाऊँगा
अमेजोन पर मैं जैसे ही गया, अभी आप देखिए रिफ्रेश हो रहा है, जो मेरा अमेजोन पे में बैलेंस था वो सेम बैलेंस मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाइस। मेरे कुछ भी बैलेंस यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। अभी अगर मैं अमेजोन पे UPI पर मैं क्लिक करूँगा और वहाँ पर मैं जाऊँगा, तो इसमें मेरे कुछ बैंक अकाउंट्स ऐड थे और सेम बैंक अकाउंट मेरा ऐड है, इसमें मेरे को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। पुराने मोबाइल नंबर से जो मेरे बैंक लिंक थे, सेम बैंक अकाउंट लिंक है, अभी यहाँ पर मेरे को कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला है गाइस। अभी इसमें अगर आप कुछ और डिटेल चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर लीजिए। अभी काफ़ी यूजर्स के मन में ये होगा कि ओल्ड मोबाइल नंबर पर OTP जा रहा है, ये है, तो अभी हमने लाइव प्रोसेस किया गया इसकी, ओल्ड मोबाइल नंबर पर कोई भी OTP नहीं जा रहा है। साथ में हमारे जो न्यू मोबाइल नंबर हमने फिल किए, सिर्फ उसी पर OTP गया और पासवर्ड हमसे पूछा, तो पासवर्ड आप इजीली एंटर कर लीजिए। नहीं पता है तो सबसे पहले पासवर्ड फॉरगेट कीजिए गाइस, और पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद में आप ये वाली प्रोसेस कीजिए। इजीली 100% आपके जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी या प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में अमेजोन पे वाले ऑप्शंस पर आने के बाद में अगर आप नीचे आओगे तो एक और ऑप्शंस आपको मिलता है कि मैनेज में अकाउंट वाला ऑप्शंस आपको मिलता है, तो अकाउंट वाले ऑप्शंस पर आप जाइए। यहाँ पर आओगे तो ऊपर पर्सनल डिटेल्स पर जाइए, पर्सनल डिटेल्स पर आप जाओगे, आप देख रहे रिफ्रेश हो रहा है और यहीं पर हमारे सामने ऑप्शंस आ रहा है कि ये आपके मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शंस मिलता है, एडिट पर क्लिक कीजिए। एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, वेरीफाई करेंगे आपके न्यू मोबाइल नंबर को, ओल्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो। अभी कस्टमर केयर से आप कैसे बात करोगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलता है गाइस होम पर, और यहाँ पर थ्री लाइंस पर आप आओगे तो नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कुछ और, तो उन ऑप्शंस पर आप जाइए। जैसे कि नीचे आएंगे तो इसमें नीचे कस्टमर सर्विस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आइए। कस्टमर सर्विस पर आप आओगे, नीचे आपको और ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें चैट है और टॉक है, तो आप टॉक कर सकते हो, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो डायल करके, और यहाँ पर चैट करके भी आप उनसे संपर्क कर सकते हो। आशा करता हूँ गाइस कि आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की है, और हमने जो मोबाइल नंबर को चेंज करने से रिलेटेड पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।